दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है भर्जन, ठीक है। कभी कभी दोस्तों इसको जारण भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, जब सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों जब सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में मतलब खूब गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है निस्तापन। दोस्तों जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। यानी दोस्तों कहा जाए कि कार्बोनेट अयस्क है उसको वायु के अनुपस्थिति में या कम मात्रा में वायु हो उसमें अगर आप गर्म करते हैं तब ये क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी को निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है थर्मिट अभिक्रिया। तो देखिए, जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कराई जाती है, देखिए जब आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है तो इसको हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो है दोस्तों रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जे दरारों आदि के जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया कहने का मतलब दोस्तों जब आयरन ऑक्साइड का क्रिया जो है एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है जिससे रेल के पटरी के मशीन के पुर्जे दरार को जोड़ने के लिए काम में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यसदलेपन। यसदलेपन किसको कहते हैं, जिसको जारण भी चाहे जस्तीकरण भी कहा जाता है। दोस्तों जस्तीकरण, ठीक है ना, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक के एक पतली परत चढ़ाई जाती है, तो इसको हम लोग यसदलेपन कहते हैं या इसको जस्तीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। लोहा को चाहे इस्पात को जंग से बचाना है, ठीक है ना, तो उस पर एक जिंक की पतली परत चढ़ाएंगे तो हम इसे यसदलेपन या जस्तीकरण कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मिश्रातु, जिसको मिश्र धातु भी कहते हैं, ठीक है ना। मिश्रातु को मिश्र धातु कहा जाता है। तो देखिए, धातु और अधातु के मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है गैंग। तो दोस्तों अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धियाँ को गैंग कहा जाता है, ठीक है। अयस्क में पाए जाने वाला अशुद्धि गैंग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अयस्क खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में उपस्थित होती है जिसे निकालना लाभकारी होती है, इसी को अयस्क कहा जाता है, ठीक है ना। खनिजों में दोस्तों विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, जिसको अयस्क कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है खनिज पृथ्वी के सतह में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी के अंदर भी कह सकते हैं और या ऊपरी भी सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सक्रिय श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है, तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कहने का मतलब है कि यह एक सूची है जो जिसमें क्या होता है ना कि धातु के उसके क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एक्वारेजिया क्या है। तो देखिए एक्वारेजिया जो है 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। कहने का मतलब है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 रहता है, ठीक है ना, और नाइट्रिक अम्ल जो है वो 1 रहता है। इस अनुपात में हम लोग मिलाते हैं जिसको एक्वारेजिया कहते हैं,
यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थक होता है। दोस्तों ये सोना को और प्लेटिनम को गला देता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो देखिए, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। समझिएगा, ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके जल भी बनाता है और लवण भी बनाता है, इस प्रकार की क्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपरूप। तो देखिए अपरूप क्या होता है, कार्बन एक ऐसे अधातु है जिनका अपरूप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है मुलायम क्षारीय धातु। दोस्तों लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। दोस्तों ये सब जो है मुलायम धातु है जिसे चाकू से आप काट सकते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम जो है ना किरोसिन में इसलिए रखा जाता है कि यह क्रियाशील धातु है, ये वायु के संपर्क में, वायु से ही क्रिया करके वो आग पकड़ लेता है, और इसलिए इसको हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ध्वनिक जिसको सोनोरस कहा जाता है, ठीक है ना। जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। मान लीजिए कोई धातु है और कठोर सतह से टकरा के आवाज उत्पन्न कर दिया तो उसको हम लोग ध्वनिक कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है तन्यता। देखिए धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। कोई धातु है और इसको खींच के पतला तार बना दिया जाता है तो उसको हम लोग तन्यता कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अघात वर्धयता क्या होता है। तो देखिए कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को अघात वर्धयता कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा शुद्ध रूप से धातु की सतह चमत्कार होती है, मतलब शुद्ध रूप से धातु जो है चमकने वाला होता है, और धातु के ऐसे गुण को हम लोग धात्विक चमक भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको धात्विक चमक पूछ दे तो बोलना कि शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है, और धातु को इसी गुण धर्म को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा चालक कौन है, तो देखिए सिल्वर है, जिसको सिल्वर को मतलब क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, ये सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद कॉपर भी है, ये क्या है ऊष्मा, ये दोनों जो है ऊष्मा का और विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए उत्कृष्ट गैस। दोस्तों उत्कृष्ट गैस तो और भी हैं, लेकिन आपके एग्जाम में हीलियम, नियॉन, आर्गन ये ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वैद्युत संयोजक यौगिक। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। समझिएगा, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के जाने से यौगिक को आयनिक यौगिक, कहने का मतलब यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। मतलब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन गया और उससे जो यौगिक बन गया उसको आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा पारद का अयस्क बताइए। तो दोस्तों मरकरी को पारद कहा जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन में लिख दिया गया है। तो मरकरी का एक अयस्क जो आप जानते हैं सिनोबार होता है, जिसको HGS भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है जंग। तो देखिए किसी धातु के वायु में छोड़ देने पर उस पर एक परत जमा हो जाती है तो उसको हम लोग जंग लगना कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो है पॉइंट देखिएगा एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनॉल CH3CH2OH, मेथेन और CH4 होता है, ठीक है ना। इसको बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है।